शंखि चक्रि गदा पद्मी धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कारिणि 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 अभी सबने मिलकर जिनको प्रणाम किया वह है असलियत ज्योति स्वरूप मेरा अपना आप। निसंदेह अपने इस वास्तविक स्वरूप की पहचान के पश्चात जीव को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, उसका अपना आप ही वह अलौकिक दिव्य दर्शन है जो कहीं से आता या जाता नहीं, जो कभी मिटता या छिपता नहीं, अपितु वह सर्वव्यापक चमत्कार है जो सदा सम रहता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विचार ईश्वर है अपना आप तथा शब्द है गुरु शरीर नहीं बताया गया है, अर्थात ज्ञानी को नहीं ज्ञान को अपनाने का तथा निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। Thank you.
कमाल आपने साजन दर्शन का, बन गया ना हर प्राणी का मन मंदिर। तो अब कहां रही आवश्यकता मंदिर मस्जिद समाज गुरुद्वारों आदि की। अब कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन अमीर और कौन गरीब,
किसका मान और किसका अपमान, कौन तेरा और कौन मेरा। अब तो सत्य बात समझ लो कि वह ईश्वर आज से एक ही था, अब भी एक ही है और सदा एक ही रहेगा। अब तो सब सुपुत्र बनो तथा ईश्वर का हुक्म मान, उसके मूल गुण समभाव समदृष्टि को अपना। सब सांसारिक व पारमार्थिक भिन्न भेद समाप्त कर वाद विवाद से ऊपर उठ, एक हो जाओ और सत्वस्तु में प्रवेश कर सत्वस्तु हो जाओ। हो गई ना सत्यमार्ग की पहचान। अब तो खुशियां मनाओ और अपने भौतिक व परमार्थी संबंध सज्जनता से निभाओ, अर्थात उखड़े दिल मिला लो, इक्को दिल बना लो। अब सुनो सब युग पुरुषों का संदेश और यथार्थ को समझने का प्रयत्न करो। मैं राम ये तुमसे कहता हूँ, मैं कृष्ण ये तुमसे कहता हूँ, चाहे मैं गुरु नानक हूँ, मैं भी तुमसे कहता हूँ, मुझको अल्लाह कहने वालों, मैं भी तुमसे कहता हूँ, जो ईसा मुझको समझते हो, आज तुम भी मेरी बात सुनो, कलुकाल हुन हटना जे, सत्वस्तु नेहुन आना जे, सत्वस्तु में क्या होता है, उसकी कुछ तुम बात सुनो, उसकी कुछ तुम बात सुनो। Thank you.
चाहे मोटी पतली और गोरी काली है, पृथ्वी का एक एक कण कण यह वायुमंडल आकाश पाताल जो है समझती थी कुदरत की वे सब बंदे कुदरती नीतियों पर ही चलती थी तब तो एक ही था वे
जस से ऊपर है और अजर अमर कहलाता है। जो अविनाशी और सुखकारी है बस उसी से अपना नाता हो। सत वस्तु में प्रवेश करने हेतु यानी सतयुगी इंसान बनने हेतु आज प्रत्येक प्राणी को जात पात व आपसी वैमनस्य का भाव त्याग कर सज्जन भाव अपनाना होगा। संतोष धैर्य सच्चाई धर्म को धारण कर सम पर खड़ा होना होगा। तभी तो संतोष धैर्य का श्रृंगार पहन सच्चाई धर्म की राह पर चलना होगा। बेखौफा बेखतरा होकर निर्लेप इस जगत में भी विचरना होगा। तभी माया रूपी जाल से बचे रह सकोगे। इसीलिए सभी को सुझाव है कि केवल उस सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बढ़ाओ। मानो सभी एक ही परमपिता की संतान हो, इसलिए सभी को सज्जन मानो, सज्जन जानो और सबके प्रति सज्जन भाव अनुरूप वर्तवर्ताव दिखाओ। अब सत वस्तु की चाल के बारे में सुनो। काल चक्र कलयुग के अंतिम चरण को पार कर सतयुग में प्रवेश कर रहा है, इसलिए सावधान हो, सतयुगी इंसान बनो और सब हिंदू